नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फूड विद टिप्स में। आज हम आपको चटनी बनाना बताने जा रहे हैं। ये चटनी बहुत लंबे तक स्टोर कर सकते हैं आप, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और किसी भी डिश के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, बनाना बिल्कुल आसान है। वैसे तो मैंने कई वैरायटी की चटनी डाली है अपने चैनल पर आज आपको सैंडविच और टेस्टी चटनी बनाना बताने जा रहे हैं। ये सैंडविच, कचौड़ी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल झटपट बनके तैयार हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए चटनी बनाए उसके पहले आपको इंग्रेडिएंट बता देती। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है लाल मिर्च, चौथाई चम्मच है ये, आधा चम्मच यहाँ पे हमने काला नमक लिया है, एक चम्मच हमने जीरा लिया है, एक बड़े चम्मच यहाँ पे हमने नमक लिया है, स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए। ये हमने बारीक वाले सेब लिए हैं, ये जैसे कि हम कचौड़ी समोसे वगैरह सर्व करते समय इसको डालते हैं वो सेब है, ये बिल्कुल बारीक वाला सेब है, इससे चटनी का स्वाद दो गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे हमने नींबू लिया है, एक नींबू है, हम आधा नींबू का इस्तेमाल करेंगे। 5 से 6 यहाँ पे हमने हरी मिर्च ली है, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 आइस क्यूब है, थोड़े से मूँगफली के दाने हैं। मूँगफली के दाने नहीं है तो चना रोस्ट करके आप चने की दाल आती है वो ले सकते हैं। तो चलिए हम चटनी बनाएं। 2 चम्मच यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड, सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट यहाँ पे हरा धनिया, ये हमने हरा धनिया लिया है जिसकी हमने मोटी मोटी डंडियाँ हटा दी हैं, बारीक डंडियाँ हमने छोड़ दिया है, और हमने ये 1 कप हरा धनिया लिया है, ये 100 ग्राम हरा धनिया है, ये हमने धो के अच्छे से पानी से सुखा के ले लिया है। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार लेंगे फ्रेंड, उसमें हम ये हरा धनिया डालेंगे। 1 कप हमने लिया है, जैसा कि मैंने बताया मोटी डंडियाँ हमने छोड़ दी है और बिल्कुल छोटी डंडियाँ हमने हटा दिया है और ये हमने ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेंड नमक, ये हमने स्वाद अनुसार नमक लिया है, जीरा, काला नमक चटनी को बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बना देता है, इसलिए हम आधा चम्मच नमक ले रहे हैं, काला नमक, और ये लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने बहुत सारी हरी मिर्च लिया है इसलिए बहुत थोड़ी सी हमने लाल मिर्च ली है, और ये हरी मिर्च, सेब, मूंगफली के दाने रोस्टेड हैं ये, 2 आइस क्यूब, इससे हमारी चटनी का कलर हरा बना रहेगा, और ये अदरक। और फ्रेंड, इसी स्टेज पे हम नींबू निचोड़ के इसमें डाल देंगे, इससे चटनी का कलर भी बना रहता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम आधे नीम का इस्तेमाल करेंगे। तो आप मीठी चटनी खाना पसंद करते हैं, इस स्टेज पे 1 चम्मच आप चीनी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, 2 चम्मच करीब, क्योंकि धनिया में पानी नहीं होता इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अब हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने चटनी पीस लिया है और आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें चटनी से, और बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड, आप इसे किसी चीज़ के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी चटनी लगती है और काफ़ी समय तक आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी स्वादिष्ट और कितनी अच्छी चटनी बन के रेडी हुई है। तो फ्रेंड, इसे अब हम किसी एयर टाइट कंटेनर में निकाल के रखेंगे। अगर आपको सर्व करना है तो आप किसी भी बाउल में निकाल सकते हैं, और अगर आपको स्टोर करना है फ्रेंड तो एयर टाइट कंटेनर में निकालिए, और इसे काफ़ी समय तक हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसे फ्रीजर में रख दीजिए, जब चटनी खाने का मन है तब निकालिए और इसे सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है ये, और काफ़ी लंबे समय तक ये चल जाती है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर और कितनी अच्छी चटनी बन के रेडी है। इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी धनिया की चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बन के रेडी है। इसे बंद करके, ये हमने एयर टाइट कंटेनर में रखा है, इसका ढक्कन बंद करके हम इसे काफ़ी समय तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक ये चल सकती है। जब भी खाने का मन हो निकालिए और इसे सर्व कीजिए। तो इस चटनी को आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है, और किसी भी डिश के साथ ये चली जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई अच्छी और टेस्टी डिश के साथ, तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को नमस्कार।